आपा, सलाम अलैकुम सलाम सुल्तान। अलैकुम वालेकुम सलाम। सुल्ताना माँ, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। आपका इतना बिजी स्केड्यूल, उसमें से आपने वक्त निकाला, आपका सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। नहीं, थैंक यू। इसलिए कि आप दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू। म्यूचुअल एडमिरेशन। सुल्ताना आप, पहले तो 50 ईयर्स आपको बहुत मुबारक हो। बड़ी पूरी एक लाइफ टाइम है, 50 साल कहने की बात है। आपको इन अ नटशेल कैसा लगता है जब आप पीछे अपनी पूरे जिंदगी करियर पर नज़र डालती हैं, तो आज कैसा महसूस होता है आपको? यकीन करो, ये मैं बिल्कुल ऑनेस्ट बात कर रही हूँ कि जब मुझे बताते 50 साल, हाँ 50 साल, मुझे नहीं पता चलता, क्योंकि दौड़ दौड़ के, जैसे आप लोग भी काम करें कि सुबह को दौड़ो और रात को जाके सो जाओ फिर दौड़ो, तो लगता है अभी तो दूसरा दिन तीसरा दिन आया है ना, तो कैसे गुजर गए मुझे भी नहीं पता। और अभी तक उसी तरह किए चली जा रही हूँ, पता नहीं क्यों कर रही हूँ, लेकिन कर रही हूँ। करना तो बहुत जरूरी है, शुक्र है करने के। सही बात है, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल। तो बहुत अच्छे गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह से। उसमें जैसे होता है अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत अच्छा काम भी होता है, बहुत ऐसा काम होता है जो आपके दिल को तो पसंद हो, बहुत लोगों को शायद उतना उस तरह से वो लोग नहीं ले पाते हों, लेकिन मैं ये समझती हूँ जब आप, मैं अपने काम से या अपनी ज़िंदगी से मुतमईन होते हैं ना, वो बहुत अच्छा होता है। कि जैसे कहते हैं इत्मीनान कल्ब, वो मुझे हमेशा रहा कि जो काम किया वो बुरे भी काम हो जाते हैं, मतलब बुरे बहुत ऐसे वैसे बुरे नहीं, मतलब तो, यानी बहुत अच्छा ना भी हो तो होता है, लेकिन कोशिश यही होती है कि अच्छा काम। बेस्ट पीरियड आपके करियर में आप किसको समझेंगी, कौन सा वक्त था जो आप कहेंगी कि ये मेरा प्राइम था या अभी चल रहा है? मुझे हर जगह, जहाँ भी, मैं आज भी यही सोच रही थी कि हर मुझे अपनी उम्र का जो हिस्सा था वो लगा ये अच्छा है, वो ही बेस्ट था, वो ही बेस्ट है। जो मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है शायद उसका एक, उसकी एक वजह है, जो मेरे घर वाले भी कहते हैं कि मुझे अच्छी चीज़ें याद रहती हैं, बुरी चीज़ें भूल जाती हैं। तो उसका रीज़न यही है, क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ का नतीजा अच्छा देख लेती हूँ तो उसके बीच में जो पेन, जो सख्ती, जो तंगी आती होगी वो मुझे याद नहीं रहती। सो नो रिग्रेट्स? रिग्रेट कोई भी नहीं? रिग्रेट नहीं। छोटी छोटी ऐसी चीज़ों का हो जो याद, शायद रिग्रेट भी ना रहा हो तो नहीं। मैंने चाहा बच्चों को ऐसे पाल लूँ, अल्लाह ने मदद की, मैंने चाहा कि मैं ये काम कर लूँ। और जब बच्चे छोटे थे मेरा दिल चाहता था मैं ड्रामा करूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाती थी, लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं, क्योंकि वो टाइम मैंने उधर दिया तो उसका रिजल्ट अच्छा मिल गया। बिल्कुल। तो सच कोई नहीं। सुल्ताना, अराउंड 25 ईयर्स एट PTV माशाल्लाह, एंड उसके बाद अनदर 25 ईयर्स अब खुद का चैनल और जैसे मैं कह रहा था एम्पायर, माशाल्लाह पूरी आपने बिल्ड की। एट दिस स्टेज ऑफ योर करियर, जैसे आप कह रही हैं कि आपको नहीं पता कि आप क्यों कर रही हैं, बट मे बी परहैप्स एट द बैक ऑफ योर हेड या एट द बैक ऑफ योर माइंड कोई तो एक रीजन होगा दैट कीप्स यू मोटिवेटेड जब आप सुबह उठती हैं। इज इट द डिजायर टू टेल स्टोरीज, इज इट the desire to bring some sort of innovation in the world of creativity, kya hai wo driving force kya hai? Nahi, wo jo maine pehle kaha ki main sochti hu kyun kar rahi hu, ye hota nahi hai mere mind mein kyun kar rahi hu, balki mujhe wo keh to diya maine, lekin main ab sochne lagi ki main kyun kar rahi nahi karti, mujhe aise lag raha hai ki mera time khatam ho raha hai, mera ye kaam reh gaya, ye kaam reh gaya, ye kaam reh gaya, to mujhe बहुत तेज़ी लगी हुई है आजकल, वो तो कहते हैं ना बाज़ार में बड़ी तेज़ी, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझे कर लेनी चाहिए। जैसे मैं अब एक जो प्रोजेक्ट, जैसे आपने मनजोगी की बात की, आप बेशक मुझसे बात और कर दीजिएगा, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मैं जब मुआशरे में कोई ऐसी चीज़ देखती हूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है, और फिर जब मैं लोगों से बात करती हूँ कि ये करें तो वो कहते हैं कि आपा बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, बड़ा मुश्किल है, पता नहीं लोग इसको सह पाएंगे या नहीं, ऊपर से लोग चलने देंगे या नहीं। तो फिर मैं बेड़ा उठा लेती हूँ कि मैं खुद कर लूँ।
दूसरे मेरे बहुत से ऐसे काम हैं जो मेरे दिल की ख्वाहिश है, वो हो नहीं पा रही पूरी तरह, कि मैं बच्चों की ट्रेनिंग करूं, भाई चैनल्स निकल आए, चीज़ें आए, उनको टेक्निकल कोई नो हाउ नहीं है, उठते जो मैं कहती हूँ कैमरामैन बन गया तो फना बन गया तो एक्टर बन गया, तो एथिक्स भी नहीं आते हैं हमें, तो छितर मार के पीटीवी में एथिक्स सिखाए गए कि प्रोड्यूसर का क्या रोल है। तो इन चीज़ों का मुझे होता है कि करना चाहिए। ये जो रिग्रेट आपने कहा ना, इसका होता है कि काश मैं ये और कर पाऊँ, वो रिग्रेट नहीं है लेकिन ख्वाहिश है, डिज़ायर है, डिज़ायर है। हाँ, तो बस इस तरह की चीज़ें हैं। तो आजकल थोड़ा बड़ी जल्दी लगी हुई है, तो मैं ज़रा छोटी सी बात बताऊँगी। मैंने मैरीन को और इन सबको कहा कि मैं इस तरह का काम करना चाहती हूँ, तो मैरीन में सोच रही हूँ कि जाने से पहले मैं ये करूँ, तो कहेंगे आप कहाँ जा रही हैं? तो मैंने कहा आप कहाँ जाऊंगी, अब तो वहीं जाऊंगी। मुझे भी जरा सा वक्त लगा सोचने का कि कहाँ जा रही है सुल्ताना, आप कहाँ जाने का सोच रही हैं। तो ये बात है, आपने हाँ इमोशनल ऑब्वियसली आप भी हो रही हैं, बट यू ऑलरेडी स्टार्टेड थिंकिंग अलोंग दोज लाइंस। मैं आपने सोचना शुरू कर दिया बाकायदा? हाँ हाँ, बाकायदा सोचना शुरू कर दिया। तो एक दिन मैंने दुरैद को कहा कि देखो बेटा, सब बच्चों को बिठा के तो नहीं खाना खा रहे थे? मैंने कहा अगर मैं मर जाऊं तो कोई रोए नहीं। अभी मैंने इतना ही नहीं कहा तो दुरैद के, मैं तो रोऊंगा। मैंने कहा नहीं, मेरी बात सुनो, मैं क्या करना चाह रही हूँ। मेरा ये है कि टाइम है, एक्सेप्ट करना चाहिए। मुझे मौत से डर बिल्कुल नहीं लगता। जो भी ज़िंदगी की टाइम या पीरियड होता है ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि ये तो आना है, ये तो होना था। अगर मेरी टांग में दर्द हो जाए तो भाई इस उम्र में भी नहीं होगा तो कब था। तो उसमें एक्सेप्टेंस मेरे पास बहुत होती है। तो मैंने कहा तुम लोग ये करना कि जो मेरे अच्छे काम है आपस में उसको डिस्कस करना, और जो मैं कह रही हूँ अगर वो सही लगे तो उस पर अमल करना। तो जैसे आपने कहा कि उन लाइन्स पे सोचना तो पड़ता है। अब जिस उम्र के मैं हिस्से में बनाऊंगी नहीं, सब कहते नजर लग जाएगी। तो सोचना तो पड़ेगा। लेकिन सुल्ताना आपा, आपने माशाल्लाह से कहीं भी स्लो डाउन नहीं किया, ऐसा नहीं लगा कि गियर बदल के आपने अपना काम कम किया हो या, तो वो फिजिकल स्ट्रेंथ, मेरा एक बैलेंस होता है कि मेंटल स्ट्रेंथ होती है, फिजिकल एंड्योरेंस है, आपकी क्या मतलब, आपकी क्या कौन सी चीज़ें जिंदगी में विच ड्राइव यू, मतलब वो ताकत कहाँ से आती है? आप लोगों से, मैं ऑनेस्टली बात करूँ, हम दोनों से। हाँ ये भी। जो यंग बच्चे काम कर रहे होते हैं ना, उससे मुझे बड़ी मोटिवेशन होती है। सही बात है। मुझे बड़ा मज़ा आता है कि यार चली गई तो क्या हुआ, इतने अच्छे काम शुरू तो हो गए, यू नो। तो फिर नई नई चीज़ें जो देख के ना, मेरा एक जो बेटा है जो बाहर रहता है वो आईटी में ही होता है, और ये सारी मुझे चीज़ें बताता रहता है। वो 17 ईयर्स का था, 18 का, तो वो चला गया था, और हर 6 महीने 4 महीने ना हम, वो आता रहता है, हम आते रहते हैं, तो लगता नहीं। तो मैं उसे कभी गेमिंग की बात कर रही होती हूँ कि मैं सोच रही हूँ फलां चीज़ शुरू करूँ, तो AI का मुझे वो सिखा रहा था। AI सही है ना, तो वो जो है वो सिखा रहा, बता रहे थे। तो हमने बैठ के स्क्रिप्ट लिखा, मैं बड़ी इंजॉय करने लगी। तो मैंने कहा हम ये मैं करना चाह रही हूँ, न्यू मैं ये काम शुरू करना चाह रही हूँ। तो वो बहुत ज़ोर से हंस रहा था। तो मैंने कहा तुम हंस क्यों रहे हो? कहने के नहीं, ईमान से मैं खुश हो रहा हूँ कि आप बच्चे भी ये बात नहीं करते जितना आप करती हैं, नई चीज़ आ गई है, नई चीज़ करो। तो आई थिंक वो मोटिवेशन मुझे आपसे यंग बच्चों से मिलती है, जो मुझे ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो हमें पता ही नहीं। और दूसरी एक चीज़ आमना, मैं एक आजकल के बच्चों में देखती हूँ, तो बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना हमारे, जब मैं खुद को बुजुर्ग नहीं करती हूँ, अक्सर कह देते हैं बुजुर्गों ने ये कहा था तो याद आता है, तो है तो मैं क्या हूँ? तो एनीवे, तो वो जब टेबल पे बैठ के खाने के टाइम पे जब हम बैठते हैं तो बातें करते हैं, तो मुझे इतना, मैं इंजॉय करती हूँ दुरैद के बच्चों को, इनको वो चीज़ें जो हम सोच नहीं सकते कि हम डिस्कस करें, वो इतने आराम से बैठ के कर रहे होते हैं कि मैंने कहा वाह,
तो कुछ लोग तो नाराज होते हैं ना, मुझे तो खुशी होती है कि सच्चे बच्चे हैं आज के बच्चे।